ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर जारी धरने के बीच सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि आरएएस मेंस परीक्षा समय पर होगी। सीएम के इस फैसले पर क्या कहना है धरना दे रहे अभ्यर्थियों का, जो परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर 10 दिनों से धरना दे रहे हैं, वो भी जानेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दाधीच और लवली वधवा जयपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ये फैसला सामने आया, मुख्यमंत्री ने यह क्लियर किया कि परीक्षा तय समय पर होगी, उसके बाद जो आरयू में धरना दे रहे हैं, वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बहुत आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर। आपको नजारा दिखाऊंगा न्यूज 18 पर। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें ये गुस्सा कर रहे वो छात्र हैं जो भविष्य में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनते, कोई डीवाईएसपी बनता, कोई आरएएस अधिकारी बनता, कोई तहसीलदार बनता, लेकिन ये वो भविष्य है राजस्थान का जो आज अपने हक के लिए ये सड़कों पर उतरा है, ये मांग कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आंदोलन को जो है ये लोग लगातार कर रहे हैं और इन लोगों की मांग जो है वो ये इस तरह की है कि सिलेबस को बदला गया और पढ़ने का वक्त नहीं दिया गया। लोग हैं, उनसे बात करते हैं, हम क्या कहना है इन लोगों का। ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा तो तय समय पर होगी, अब आप लोग क्या करेंगे? ये सारा तो भविष्य राजस्थान का। देखिए, पहले दिन से जो गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, खुद को उत्तर भारत का जो है गांधी का कहते हैं, खुद को शौक है गांधी कहलाने का। उनके अधिकारी जो है उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी सरकार के एमएलए जो है उनको समझा चुके हैं कि न्याय, हमारी मांग जो है न्यायोचित है, लेकिन उनके अधिकारी उनको मिसगाइड कर रहे हैं। पहले दिन से गांधीवादी आंदोलन चलाया, खुद कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, युवाओं की मांग जो उठनी चाहिए। अब हमने जब न्यायोचित मांग के लिए गांधीवादी प्रदर्शन किया तो उनका ऐसा बयान आ रहा है, वो खुद जो है कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में कॉन्ट्राडिक्शन झलक रहा है। और ये बताइए, ये जो अफसर, जो ब्यूरोक्रेट, जो ये गुमराह कर रहे हैं सरकार को, इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे हम आप लोग? वो तो खुद ही खुल जाएगा, जैसे जैसे पन्ने खुलेंगे, जैसे जैसे कागज खुलेंगे, जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उनको गुमराह किया है, इसमें गंध आती है कि कहीं ना कहीं इस आरपीएससी की ये जो भर्ती है, इनमें ब्यूरोक्रेट्स का भी हित है। अच्छा, ये आरपीएससी की भर्ती पर भी सवाल खड़े हुए हैं, किरोड़ी मीणा ने भी इस बात को उठाया, क्या लगता है आपको, सिलेबस चेंज करना और समय नहीं देना, ये कोई गड़बड़ की बुआ रही आप लोगों? सर, समय नहीं देना सबसे बड़ी सर कमी इस चीज की है कि हमें स्पष्ट तरीके से, हमने हमारी मांगों को हर प्लेटफॉर्म पे समझाया है, किसी को भी हमारी मांग है वो न्यायोचित अनुचित नहीं लगी, सबने न्यायोचित हमारी मांग को ठहराया और सबको, सब प्लेटफॉर्म पे हमने इतना जोरदार तरीके से हमारी हर मांग को रखा हमने, फिर ऐसी क्या कमी रहेगी कि सीएम साहब एक बार में आके हमें ये बोल देते कि आपका एग्जाम नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हो सरकार से, आप लोग क्या कहना चाहते हो? हमें बस टाइम चाहिए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हमारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, आज एक जरूरत हमें 2 महीने की टाइम की है, वो टाइम नहीं मिल सकता हमें? हमने कहा हमारी गलती छोड़ दी, हमें क्यों नहीं मिल रहा टाइम? आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से, गुस्सा तो बढ़ रहा है सर? बिल्कुल, सबका गुस्सा बरकरार है। आरपीएससी की गलती क्यों भुगते, राजस्थान की जनता क्यों भुगते, सारा गांधीवादी तरीके से धरना चल रहा है, हम इतने दिन से हाथ पांव जोड़ रहे हैं सरकार के आगे, बहरी गूंगी सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी? आप लोग क्या कहेंगे, महिला शक्ति भी धरने में, कई सारी महिलाएं धरने में, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सरकार के फैसले को? सर, हमारे तो सपनों की हत्या कर दी है सरकार ने, और हम तो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। सरकार की गलती है, आरपीएससी की गलती है, हम लड़कियां नहीं भुगतेंगी। अगर आज हमें मौका दिया घर वालों ने कुछ बनने का, अब आगे हमें नहीं पता वैकेंसी कब आएगी, हमें कब मिलेगा मौका? आ जाता है, राजस्थान का भविष्य है ये तो युवा, और राजस्थान का भविष्य जो है वो एग्जाम नहीं देगा तो कौन एग्जाम देगा फिर? सर, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हैं, 1 महीने से हम हर दरवाजा खटखटाया, हर ब्यूरोक्रेट के पास गया, हर अफसर के पास गया, सब ने यही कहा आपकी मांग जायज है, तो फिर हमारी मांग जायज थी तो फिर ये ऐसा क्या हुआ कि एकदम सीएम साहब ने कह दिया नहीं? सीएम साहब के पास 2 मिनट नहीं थे मिलने को। और मैं ये चाहता हूँ कि यदि हॉस्पिटल में, सर हमारे 6 भाई बहन हॉस्पिटल में भर्ती है, एक भाई ने ट्रीटमेंट देने से तक मना कर दिया है। सरकार से यही हम विनती कर रहे हैं बार बार, और उनके खुद के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को सिर्फ 3 महीने का टाइम चाहिए, हमने कुछ बड़ा कुछ। लवली, एक चीज अगर आप पूछ पाए, देखिए कहा ये गया सीएम की तरफ से, ये उन्होंने साफ कहा कि
प्री और मेंस के बीच में 90 से 100 दिनों का गैप होना चाहिए, वो वक्त मिल गया है अभ्यर्थियों को। तो अब अभ्यर्थी क्या करेंगे, क्योंकि आज 21 तारीख, अगले 3 से 4 दिनों का समय, तो क्या वो धरने पर बैठे रहेंगे या अपनी तैयारियों के लिए वापस घर लौटेंगे? पूछ लेता हूं मैं इन लोगों से जो लोग यहां मौजूद हैं। 90 दिन का सीएम ने कहा है, 30 दिन से 90 दिन तक का वक्त दे दिया है जब आपकी प्री और मेंस के बीच में, तो फिर किस बात का वक्त आप लोग मांग रहे हैं? सीएम साहब ने कहा है सही है, लेकिन एक चीज बताओ, सीएम साहब को यह भी तो पता होना चाहिए आरपीएससी का वेट जब नोटिफिकेशन आता है उस समय इनको सिलेबस जारी करना होता है, ठीक है ना? प्री का पहले प्री का एग्जाम होता है 27 अक्टूबर को, फिर रिजल्ट आता है, फिर इनके 10-15 दिनों बाद इनका सिलेबस आता है। सिलेबस तैयार करने में इनको 3 साल लगे, जब हमें अब सिर्फ 2-3 महीने में लिया। फिर अचानक जो सिलेबस चेंज हुआ, इससे सारा कुछ मामला गड़बड़ हुआ, इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल सर, जो ब्यूरोक्रेट उनके पास पास है, जो उनको चलिए ठीक है लवली, तो ये लोग अभी धरने पे हैं और इनका ये कहना है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। महेश, अब मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि परीक्षा की तारीख बढ़ाने की ये सभी मांग कर रहे हैं, आरपीएससी की तरफ से और सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी क्योंकि जो 90 से 100 दिनों का गैप होना चाहिए वो मिल गया है। सिलेबस में जो बदलाव की बात कही जा रही है वो किस हद तक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 10 से 20% कुछ कह रहे हैं, 30 से 40% कुछ कह रहे हैं कि 60% तक बदलाव हुआ है, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे। महेश, देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस मामले में अलग अलग दावे हैं। जो ज़्यादातर परीक्षार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि 40 से 50% तक का जो बदलाव है वो यहाँ पर किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं आरपीएससी के तर्क की, तो आरपीएससी का साफ कहना है कि इस परीक्षा में मामूली बदलाव किया गया है और जो विषय पहले रखे गए थे उन्हीं में से नए चैप्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं। ये आरपीएससी ने अपना तर्क सीएम के समक्ष प्रस्तुत किया था और इसी को आधार बनाते हुए जो आज मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें भी साफ तौर पर इसी बात का उल्लेख किया गया है। उसमें ये कहा गया कि जो सिलेबस बदलाव की जो बात कही जा रही है वो तर्कसंगत नहीं है, इसके आधार पर परीक्षा की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये आरपीएससी का कहना है। लेकिन परीक्षार्थी कह रहे हैं कि जो सिलेबस जो चेंज किया गया है वो काफी हार्ड है और इतना लेंदी है कि उसे पढ़ने में 90 दिनों का जो वक्त है वो काफी कम है, क्योंकि 27 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, 19 नवंबर को परिणाम आया था और उसके बाद से अब 25-26 फरवरी को परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो राज्य सरकार का तर्क है वो ये है कि आरएएस की जो भर्ती परीक्षा रही है, भले ही वो 2013 से लेकर के अब तक के मामले देखते रहे हैं, न्यायालय के कारण उसमें देरी हुई है और तय समय पर परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई और नियुक्तियां नहीं मिल पाई है। इनका कहना है कि 1 वर्ष के अंदर ही जो है पूरी तरह से प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार की प्रक्रिया को जो है संपन्न सरकार को करना होता है। इसी कारण से जो है ये परीक्षा भी है, आरपीएससी को इसी सत्र में ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब प्री कोई पास कर चुका है तो आप उसके बाद सिलेबस क्यों बदल रहे हैं? जो पहले सिलेबस दिया उस सिलेबस पे आप एग्जाम लीजिए, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अगले साल अगले सत्र में चेंज कीजिए। देखिए बात ये बिल्कुल जो है कहीं कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से उठाई भी जा रही है और इस मामले में कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने के बाद में सिलेबस में जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्वाधिकार जो है वो कहीं कहीं आरपीएससी सुरक्षित रखती है और जब इस तरह का विज्ञप्ति और प्रेस नोट जब जारी होता है भर्तियों के मामले में तब यह साफ जिक्र किया जाता है कि पदों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है और सिलेबस में जो बदलाव है वो किया जा सकता है, ये आरपीएससी का कहना है। लेकिन इसके पीछे जिस तरह से होगी, अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों का रुख क्या होता है। फिलहाल बहुत